गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम जोशी स्वागत करता हूँ आप सभी का ट्रिकी डोज पे। दोस्तों, आज तारीख है 24 जून 2020, और दोस्तों हर वेडनेसडे और सैटरडे को अपना करंट अफेयर्स का सेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 21 जून से लगा के 24 जून तक के सारे करंट अफेयर्स को। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। तो 21 जून को मनाया गया इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल योगा डे की इस साल की थीम की बात करें तो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। कोरोना वायरस के चलते कहीं पे भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं किए गए, योगा को घर पे ही करने की नसीहत दी गई है। अगर इसके बारे में बात करें तो इंडिया ने सबसे पहले इसका इंटरनेशनल योगा डे का प्रपोजल इनिशिएट किया था, और 2014 में 11 दिसंबर 2014 को इसने 69 आउट ऑफ 131 वोट्स के साथ में इस रिजोल्यूशन को पास किया गया। और 2014 के बाद में कंटिन्यूस ये वर्ल्ड योगा डे मनाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को हर साल मनाया जाता है। ये भी वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की बात करें तो ये हर साल 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, और इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसके बारे में प्रस्ताव रखा गया था, और फिर यूएन के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम की बात करें तो हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग एटोनोमस टेक्नोलॉजीज। बात करें तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पहले इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो के रूप में एस्टेब्लिश किया गया 1921 को, अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो शिपार्ड एम स्मिथ है, और सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो मिथियास जोनस है, और हेडक्वार्टर की बात करें तो मोनाको में। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ दोस्तों। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया वर्चुअल इंडिया पवेलियन, और ये इनॉग्रेट किया गया कांस फिल्म मार्केट 2020 के लिए। दोस्तों, इंडिया में इस साल दो फिल्में भेजी है कांस फिल्म फेस्टिवल में। माई गार्ड क्राइम नंबर 103 आउट ऑफ 200 ये मराठी फिल्म है, और हेलारो ये गुजराती फिल्म है। ये दो फिल्में कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए भेजी गई है। दोस्तों, बात करें तो कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस के कांस सिटी में मनाया जाता है, इसलिए इसको कांस फिल्म फेस्टिवल कहते हैं। इससे पहले इसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता था, जो कि बाद में चेंज करके इसको कांस फिल्म फेस्टिवल कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की बात करें मनसुख मांडविया जी, इन्होंने एक फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो इंट्रोड्यूस किया है। अगर इसकी बात करें तो ये एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, यानी कि फिक्की के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया और लॉन्च किया गया मनसुख मांडविया जी के द्वारा। अगर बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की तो डीवी सदानंदा गौड़ा जी है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। पॉलिसी कमीशन और नीति आयोग ने मिलकर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ में डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कि कार्बन के फुटप्रिंट्स को कम करने का काम करेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुछ रूल्स रेगुलेशंस में चेंज करके कार्बन इमिशन को कम करने की कोशिश की जाएगी। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमिक्स के अंडर में। दुनिया के जो अलग अलग देश है वो मिलकर ये काम कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डी कार्बनाइजिंग कैसे की जाए, और इसी के तहत इंडिया ने भी ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बात करते हैं अगली न्यूज़ की। इंडिया ने एक वर्चुअल मीट अटेंड किया है ईएजी प्लेनेटरी मीट का। दोस्तों, बात करें तो 32nd मीटअप था ये यूरेशियन ग्रुप का, जिसमें इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए काम किया है। दोस्तों, इंडियन ऑफिशियल्स और रिप्रेजेंटेटिव ने इस मीटिंग को अटेंड किया। अगर इसकी बात करें तो यूरेशियन ग्रुप के 9 कंट्रीज मेंबर हैं,
जैसे कि इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। दोस्तों ये 9 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंडर में काम करती है ये बॉडी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ की बात करें तो अमर्त्य सेन जी को प्राइज मिला है, पीस प्राइज मिला है जर्मन बुक ट्रेड का। अमर्त्य सेन जी की बात करें तो ये नोबल प्राइज विनर रह चुके हैं इकोनॉमी और फिलोसॉफी में, और इनको जर्मन बुक ट्रेड का पीस प्राइज दिया गया है। बात करें इनको पीस प्राइज की तो ये प्रेस्टिजियस पीस प्राइज मिला है इनके जो ग्लोबल जस्टिस, सोशल इनइक्वालिटी और हेल्थ केयर में जो काम किया इन्होंने उनको मद्देनजर रखते हुए इनको ये प्राइज मिला है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अपॉइंटमेंट से कुछ उनके बारे में बात करेंगे। उर्जित पटेल जी को चेयरमैन नियुक्त किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, जो कि एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है। इसके प्रेसिडेंट सॉरी चेयरमैन के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल जी की बात करें तो ये पहले अपने आरबीआई के गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। इन्होंने 2018 में आरबीआई के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज की बात करें तो सौरव गांगुली और सुनील छेत्री। सौरव गांगुली हमारे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के रूप में अभी कार्य संभाल रहे हैं, और सुनील छेत्री जी फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, इंडियन फुटबॉल टीम के। इनको JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, और इनके साथ में एक मिलके मल्टीमीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है लीडर्स चॉइस नाम का। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों यूएस के सीनेट ने अपॉइंट किया है इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है जो साथुरामन पंचनाथन जी, इनको डायरेक्टर के रूप में नेशनल साइंस फाउंडेशन का। अगर इसकी बात करें तो पंचनाथन जी दूसरे इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है जिनको इस पद से नवाजा गया है। इससे पहले हमारे देश के जो सुब्रा सुरेश जी थे वो भी इस पोजीशन पर काम कर चुके हैं, जो कि 2010 से 2013 तक काम किया था इन्होंने। यूएस सेनेट की बात करें तो दोस्तों जैसे कि अपने इंडिया में द्विसदनीय विधायिका होती है लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार यूएसए में द्विसदनीय विधायिका होती है जिसमें अपर हाउस को सीनेट कहा जाता है और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज की बात करें तो विजय खंडूचा जी को अपॉइंट किया गया इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर टू जिम्बाब्वे। रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे के अम्बेसडर के रूप में काम करेंगे विजय खंडूचा जी। इससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के डायरेक्टर के पद पे कार्य कर रहे थे। जिम्बाब्वे की बात करें तो करंसी है जिम्बाब्वे की यूएस डॉलर, और कैपिटल की बात करें तो हरारे, और प्रेसिडेंट की बात करें तो इमरसन मंगागवा इनके प्रेसिडेंट है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। डॉक्टर निरागर प्रधान जी को सीईओ बनाया गया प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन का। अगर बात करें PRMIA की तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करता है जो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उन पर काम करता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। कुछ क्विक न्यूज है उनको डिस्कस करेंगे। क्विक न्यूज में बात करें तो जो रेसलिंग लीजेंड थे WWE के, द अंडरटेकर नाम से जाना जाता था जिनको, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है WWE वर्ल्ड से। इनकी बात करें तो ये अपना आखिरी मैच एजे स्टाइल के साथ में रेसलमेनिया 36 में लड़ेंगे, और इनका रियल नेम मार्क कलावे था। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों फ्रांस ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है 200 मिलियन यूरो का इंडिया के साथ में COVID-19 से लड़ने के लिए। और इसके अलावा बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विड्रॉल लिमिट बढ़ा दी गई है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की, जो कि पर डिपोजिटर 1 लाख रुपए पर डिपोजिटर होगी मुंबई के लिए।
इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने लिस्ट ऑफ प्लेयर्स डिक्लेयर की है, और ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल्स में निक्की पूछना जी, जो कि ITF वर्ल्ड टेनिस टूर मेंस प्लेयर के पैनल्स के रूप में इलेक्ट किए गए। बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक ने अफोर्ड प्लान के साथ में मिलकर जो हेल्थ केयर रिलेटेड एक कार्ड लॉन्च किया है, जिसको स्वस्थ कार्ड नाम से जाना जाएगा, और ये हेल्थ केयर सर्विसेज में हेल्पफुल होगा, फाइनेंसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा। इसके अलावा बात करें मेजर जनरल जो कि रिटायर्ड थे लक्ष्मण सिंह लाहिल, इनका निधन हो गया है। इनकी बात करें तो इनको फाइनेस्ट मिलिट्री ब्रेन माना जाता था, और इन्होंने 1948 और 1971 के वॉर्स में अपना योगदान दिया है। कई घंटों के डिस्कशन के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया गया लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा को, जो कि पुरी में निकाली जाती है उड़ीसा में, और लेकिन इसके साथ में कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी जारी की है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें सिक्योरिटी और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काफ़ी ध्यान रखा जाएगा। सबसे पहले बताया कि रथ यात्रा में 500 से ज़्यादा व्यक्ति इस रथ को नहीं खींचेंगे, और रथ के बीच में एक घंटे का गैप रहेगा, और जो भी लोग रथ को खींचेंगे उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अगली न्यूज़ की बात करें तो इंडिया को इलेक्ट किया गया नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और इंडिया की प्रेसिडेंटशिप रहेगी अगस्त महीने की 2021 में। दोस्तों बात करें तो इसकी प्रेसिडेंटशिप हर महीने चेंज होती जाती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जो भी मेंबर्स हैं उनके बीच में हर महीने चेंज की जाती है, और यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर है इनका टेन्योर होता है 2 साल का, जिसके बाद में इनके वापस चुनाव होंगे। गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ के लिए इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ने लाइन ऑफ क्रेडिट को बढ़ाकर 20.10 मिलियन US डॉलर कर दिया गया है। दोस्तों रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ में हॉस्पिटल का काम चल रहा है, उसके लिए फाइनेंस सपोर्ट के लिए US डॉलर 20.10 मिलियन की जो लाइन ऑफ क्रेडिट थी उसको बढ़ा दिया गया। लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करें तो ये जो लोन देने के लिए जो एक लिमिट होती है क्रेडिट की, उसको बढ़ा दी गई है। ये वो लिमिट होती है जिसके अंदर का लोन दिया जाता है। दोस्तों एक बार निकारागुआ के बारे में जानते हैं। निकारागुआ की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे अवेलेबल है निकारागुआ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, ये कैरेबियन सी है यहाँ पर, और ये पैसिफिक ओशियन अटलांटिक ओशियन। दोस्तों नेशनल फ्लैग की बात करें तो ये नेशनल फ्लैग है, और कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो मानागुआ इसकी लार्जेस्ट सिटी है। प्रेसिडेंट की बात करें तो डेनियल ओर्टेगा इनके प्रेसिडेंट है, और करेंसी की बात करें तो कार्डोबा नियो इनकी करेंसी चलती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, और ट्रिकी डोज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो। थैंक यू दोस्तों।